चलो चलें। ये हम आ गए हैं कहाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं नीलम वैली और ये दीवारियाँ का मुकाम है। तो अब हम जाने लगे हैं एडवेंचर करने और हम एक साथ चलेंगे। तो फिर कहाँ चलें? रत्ती गली। हम जा रहे हैं रत्ती गली और आपको लेके जाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, रास्ते में बताएंगे कि कौन सा ट्रैक मुश्किल है, कैसे आप जा सकते हैं, वहाँ पहुँचकर आप क्या करेंगे, हाइकिंग भी करनी है और साथ साथ आपको हम दिखाएंगे कि कौन कौन से एडवेंचर यहाँ पे हो सकते हैं। तो चलो हमारे साथ। चलो चलें। हमारे जनाब ड्राइवर, नाम क्या है भाई आपका? मतलूब। ये देखिए, जब सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो फिर एक गाड़ी को पीछे जाना पड़ता है और हम अभी जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा पीछे और साथ वाले को देंगे रास्ता। ये ट्रैक कितना? 12 किलोमीटर है, 2.5 घंटे लगते हैं। आगे आप देख सकते हैं, अभी ये ऐसा रोड आएगा। ये देखें जी, साथ साथ इसके दरिया भी चल रहा है, बड़ा खूबसूरत मंदिर है। ये कहीं पे आता है कच्चा रोड और कहीं पे आते हैं पत्थर, और कच्चे रोड पे तो गाड़ी चलाना आसान होती है लेकिन पत्थरों में कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होती है। आप यहाँ पे देखें, ये मेरे सामने पत्थर भी हैं और साथ साथ एक तरफ दरिया भी है, नज़ारा खूबसूरत है। अभी हमारे ड्राइवर जो हैं वो कुछ चेक कर रहे हैं, शायद हवा चेक कर रहे हैं या क्या हुआ, हवा चेक कर रहे थे। क्या लगाई थी? लाके। अच्छा, फोर का एक सिस्टम होता है ना नीचे टायरों में, तो वो यहाँ पे आके लगाते हैं। जब टू व्हील थी ना, अभी फोर व्हील हो गई। अच्छा, तो ये अभी इन्होंने कोई एक लॉक है उसको प्रेस किया और उसके साथ ये फोर बाय फोर हो गई है। और अभी देखें, रास्ता भी थोड़ा सा खतरनाक होता जा रहा है। पत्थर है, कच्चा रास्ता है, एक तरफ दरिया है, ऊपर से मौसम भी बड़ा ही खूबसूरत है, हल्की फुल्की फुहार चल रही है। ये मेरे साथ इस वक्त बाजेद हैं और काफ़ी सहमे हुए हैं, मुझे कहते हैं कि जो ड्राइवर भाई है इससे बात भी ना करें, और मैंने इसके कहने पे बात करना भी छोड़ दिया। ये कहते हैं फोकस होके गाड़ी चलाएं। और बाजेद, क्यों इतने डरे हुए हो? डरना चाहिए, रोड काफ़ी खतरनाक है, रोड तो बिल्कुल है ही नहीं, आप समझिए हम पत्थरों पर गाड़ी चला रहे हैं। ये देखें, ये वाकई पत्थरों के ऊपर ही गाड़ी चल रही है, जहाँ एक तरफ रास्ता खतरनाक है वहीं दूसरी तरफ ये खूबसूरत दरिया भी है। आपको कभी यहाँ चलाते हुए गाड़ी डर नहीं लगा? नहीं भाई, यहाँ ही सीख है और यहाँ ही चला रहे हैं, यहाँ ही हमारी रिहाज है, यहाँ डर लगेगा तो हम चलाने कैसे करेंगे। कभी कोई आपके साथ हादसा पेश आया हो? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज हम जा रहे हैं रत्ती गली, यहाँ का ये आप ट्रैक देख रहे हैं कि बहुत एडवेंचर भरा ट्रैक है, बहुत मजा आ रहा है, सबको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है। हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, कच्चा रास्ता, ऊपर से बारिश और हमें तो थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। बस बारिश में मजबूरी होती है या कोई गाड़ी ऊपर चले जाती है और वापस आना होता है, लेकिन दूसरा ये होता है कि ये 4x4 गाड़ी है, इनका काम यही है कि स्लिप में बारिश में पहाड़ों पे चढ़ना उतरना, इनका काम यही है। क्या बीती आपके साथ, क्या बीती? मुझे लग रहा है यहाँ बैठना नहीं चाहिए था, दिल बाहर निकलने को थे। ये हम रत्ती गली के रास्ते में हैं और इस वक्त हमने यहाँ पे 5 मिनट की ब्रेक की है, गाड़ी को जरा ठंडा करें। ये देखें, नौजवान यहाँ पे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, पहाड़ों को बुला रहे हैं और यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। हम आगे चलेंगे और आगे आपको बताएंगे रास्ता कैसा है और वहाँ पे माहौल कैसा है। रत्ती गली के रास्ते में ये एक आबशार आई है, छोटी सी आबशार,
जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रत्ती गली बेस कैंप पर, और अगर मेरे पीछे आप देख सकें बिल्कुल पीछे बर्फ आपको नजर आ रही है, वहां पे हमने जाना है। यहां से 2 किलोमीटर की हाइकिंग है और एक बार हमें जज्बे के साथ जोश के साथ दिखाना है। और क्या आप जाने को तैयार हैं? तो फिर चलें। ये रत्ती डेरी बेस कैंप है और आप देखें यहाँ पे बेस कैंप में वाकई एक बस्ती आबाद है और यहाँ पे लोग रात को क्याम भी करते हैं। और ये आपको नॉर्मली 2000 रुपये में आपको ये मिल जाता है एक कैंप, और यहाँ पे इस कैंप के अंदर 6-7 लोग रह सकते हैं आसानी के साथ। साथ साथ हम चल रहे हैं और हाइकिंग है, थोड़ी सा सांस पूरा अभी से हम थक गए। हाँ सोनिया बताएं, अभी तो थके, अभी तो स्टार्ट हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा है। लिटरली मैं बेसिकली खुद इसी ऐसे इलाके से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ये जगह बहुत थोड़ा कुछ कह तो नहीं रहा अभी तक, नहीं आगे जाके ये रखे मुझे उठा लो। सरिया लेक है, छोटी सी झील है और ऊपर से आबशार भी आ रही है। रत्ती गली की तरफ मैं हाइकिंग कर रहा हूं और ये ट्रैक जो आपको मैंने कैंप का दिखाया था वहां से लेके तकरीबन 2 किलोमीटर का है, और यहां पे आप अगर चलेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 40-45 मिनट लग सकते हैं। अगर आप नहीं चल सकते तो आपने देखा होगा घोड़े भी यहां पे जा रहे हैं, घोड़ों के साथ भी आप जा सकते हैं उन पर बैठ कर। थोड़ी सी थकन हो रही है, मैंने कहा थोड़ा सा सस्ता भी लूँ, क्योंकि वो एक ऊपर से घोड़ा आ रहा है, मैं उससे बात करूंगा और फिर उसके साथ चलता हूं मैं भी। देखें ये वैसे उचड़ना इधर भी मुश्किल इतना भी होता है, ये देखें काफ़ी मुश्किल हो रही है, और घोड़े पे बैठे वजन आगे रखें। कितनी बार इसको लेके जाते हैं ऊपर? दिन में 5-6 मरतबा। ये थकता नहीं है बड़ा? थकता है, क्या करें, मजबूरी है, इसका पेट भी पालना, अपना भी, अपने बच्चों को। ज्यादा पेट अपना पालते हैं इनका पालते हैं? बराबर, दोनों दोनों का बराबर। बड़ी कैसा है? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है, पहले पैदल चल के मजा आ रहा था या अभी? बस दोनों, मुझे तो पैदल ज्यादा मजा आ रहा था। ओ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इसको मैंने थोड़ी सी थपकी दी है तो वो भागना शुरू हो गया, इसको लगा कि मुझे इसको भगाना है, लेकिन भाई नहीं, इतना मुझे नहीं भगाना आपको। खूबसूरत मंजर वो देखें सामने। जी हम इस वक्त पहुंच चुके हैं रत्ती गली झील में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा, ये पहाड़ों को आप देखें, ये बादल बने हुए हैं, एक खूबसूरत यहाँ पे मंजर है और इस मंजर के नीचे खूबसूरत झील। ये तकरीबन वहाँ से हम जब बेस कैंप से निकले तो बेस कैंप से आगे तकरीबन आधे घंटे की ये हाइकिंग है, थोड़ा ज़्यादा बल्कि मैंने पैदल चला और उसके बाद इस घोड़े पे राइड की। अभी हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहीं पे उतरना है, ये कहते हैं भाई यहीं पे उतरना है, इससे आगे आपको पैदल जाना है, तो आइए मेरे साथ चलें, मैं आपको ये दिखाता हूँ और आगे मंजर भी उसके दिखाता हूँ। अच्छा ये यहाँ से आगे जाने का मकसद ये है कि जी सब्जा ख़राब हो जाता है तो वो कैसा है सब्जा, ये आपको दिखाते हैं वहाँ पर। जी इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं रत्ती गली झील पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक खूबसूरत मंजर है, नील गूं पानी है और इसके पीछे जब आप यहां पे पहुंचते हो तो एक नज़र में आपको ये अपने शहर में मुब्तला कर लेती है। मेरे पीछे ग्लेशियर भी हैं, खूबसूरत पहाड़, लोग यहां पे इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ यहां पे कुछ लोग इस्लामाबाद से भी आए हुए हैं, हम उनसे ज़रा फीडबैक लेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी हमें ज़रा बताएँ कि यहाँ पे आके पहली नज़र में आपको ये देख के कैसा लगा? सर मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी, सीरियसली मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहली जगह इतनी खूबसूरत है, और मतलब बंदा कहता है कि यहीं बैठा रहे और डिप्रेशन एंग्जाइटी सारी यहाँ। अच्छा आपने ये कहा कि यहीं बैठा रहे, मैं खुद वहाँ बैठ गया था, वहाँ पे बैठ के हमने थोड़ी देर सांस लिया और इसको इंजॉय किया और उसके बाद फिर हम आगे आए हैं। मौसम साथ आप बताएं, आज खूबसूरत मौसम भी है, हल्की सी बारिश सुबह हुई थी, अभी इस वक्त बड़ा प्लेजेंट मौसम है, ये इसका तड़का साथ कैसे है? सुपर कूल, सुपर कूल, यस। तो आप अभी नॉर्मली आपको पता है कि समर सीजन ही चल रहा है, हर तरफ गर्मी है, तो यहाँ पे एकदम इतनी सर्दी में आके बहुत अच्छा लग रहा है। ओके तो हम आगे चलेंगे और बाकी लोगों से भी फीडबैक लेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पे आए और उनको यहाँ पे आके कैसा लगा। सुकून आ गया, आँखों को ठंडक मिल गई है। अमेजिंग, जन्नत नज़ीर वादियाँ, हुस्न की वादियाँ, आला। हम रत्ती गली इस वजह से है कि अगर आप इर्द गिर्द माउंटेन्स पे नोट करें तो यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे होंगे वो रेड कलर के हैं। रत्ती उससे बड़ा और गली किसी भी पुरफिजा मुकाम को कहते हैं जहाँ से रास्ता किसी भी जगह की तरफ निकल रहा होता है, उसकी वजह से इस झील का नाम जो है रत्ती गली झील है। ये एक नेचुरल झील है, कुदरती झील है, इसकी गहराई का अंदाज़ा आज तक कोई भी नहीं लगा सका। अगर इसकी बैक साइड पर आप चले जाए तो
पतलिया लेक भी है, वहाँ से आगे कालासर 1, कालासर 2, कालासर 3, हंसराज 1, हंसराज 2, ये सारी झीलें करते हुए 14 झीलें इस ट्रैक पे आती है और ये ट्रैक आपका एंड होता है जलखड़ नारान के मुकाम पे जाके नोरी टॉप। ये हम आ गए हैं कहाँ। थोड़ी सी थकावट हुई, थोड़ा सा चले रास्ते में थकन थी, लेकिन यहाँ पे आके मैं कह सकता हूँ सिंपली वाओ।